हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइट। और वापस से आ चुका हूँ मैं कर नए गेम प्ले के साथ। आज के इस प्लेयर का नाम है नो ग्रैब नो वॉल ट्रैप। और तुम लोग जानते हो ना कितने ज़्यादा हिपोक्रेटिक भरे पड़े हैं अपन कैसेफे के अंदर, और ये भी उन्हीं में से एक है। तुम लोग देखना क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं लिंक्स के साथ उतरा था गेम प्ले के लिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है बहुत ही अच्छा है वो, उसने कहा था कि लिंक्स के साथ गेम प्ले करो। मैं ये वाला गेम प्ले तो 2 दिन पहले ही लेके आ जाता, लेकिन 2 दिन से मैं वीडियो ही नहीं डाल पा रहा था। वो क्या हुआ कि मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और लाइट रह नहीं रही है जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो, और बारिश का हल्ला भी बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई ना सतना मध्य प्रदेश में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब रुक जाते हैं। एक दिन रुका तो अगले दिन फिर हो गई और फिर बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई, तो फिर 2 दिन मैं नहीं डाल पाया, सॉरी उस चीज़ के लिए। ओके हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉर्नर पे ट्रैप करने का ट्राई किया, बल्कि इसका नाम है नो कॉर्नर ट्रैप्स। लेकिन भाई मैं क्यों ना करूँ, मैं थोड़ी ऐसा स्पैम वगैरह कुछ कर रहा हूँ, मैं तो डिफरेंट अटैक्स के साथ इसको कॉर्नर पे ट्रैप कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्या गलती है भाई। और यहाँ पे इसने मैं ग्रैब किया, ओके मैं पता नहीं क्यों शेडो में चला गया, गधा हूँ मैं। और अभी देखना हाँ, इसने अभी भी 1 सेकंड पहले मेरे को ग्रैब किया था, लेकिन इस बार मैंने इसको ग्रैब कर लिया तो ये गुस्सा हो गया मेरे से, कीप फाइटिंग बोल रहा है, देख रहा हूँ क्यों भाई कीप फाइटिंग, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, ग्रैब भी तो किया है नॉर्मल सा, इसको इसमें बुरा लग गया। मतलब मौके तो एक खुद ही दिया ना, मैंने ऐसा थोड़ी कि मैं अटैक्स नहीं किया हूँ और उसके बाद इसको ग्रैब किया और अभी फिर से इसने की फाइटिंग बोले। यहाँ पर मेरे गुस्सा आ गई थोड़ी सी इसके ऊपर, ओके। और यहाँ पे मैंने इसको अपर अटैक मारा, लेकिन मैं मार खाते ही जा रहा हूँ और खाते ही जा रहा हूँ। ओके मैंने बॉम्ब लिया अपना और उसका टाइम मैनिपुलेशन ऑन है, कभी भी वो अटैक कर सकता है मेरे ऊपर। और इसने वापस से मेरे को ग्रैब किया और मैंने अभी कुछ नहीं बोला, जबकि इसके ग्रैब की वजह से ये गुस्सा हो गया था, मतलब जब मैंने इसको ग्रैब किया तब हो गया। क्या कर सकते हैं ऐसे प्लेयर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने मार्कस लाया क्योंकि मार्कस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ईतू के अगेंस्ट, लेकिन देखते हैं क्या होता है मेरे मार्कस का। ओके फाइट स्टार्ट, यहाँ पे लोवर के साथ स्टार्ट किया मैंने फाइट को। ओके मेरे को ब्लॉक ब्रेकर मिल गया यहाँ पे सस्ते में, कोई बात नहीं। और इसने अपना जो है शेडो यूज़ किया, मैंने वापस से अपना स्पेशल मारा। ओके यहाँ पे उसका स्पेशल कनेक्ट हुआ, मेरा नहीं हुआ, कितने सारे दोगले लोग हैं इस तस्वीर के अंदर। और कुछ नहीं, इसने ग्रैब किया मुझे और ये अपर अटैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हैवी मारा और मेरे शेडो से बच गया, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में शेडो कर देता हूँ कभी कभी। ओके और यहाँ पे क्या मैं अपर मारूँगा, हाँ अपर कनेक्ट हुआ और ये मेरे जो है कॉर्नर से बच गया है, स्मार्ट है थोड़ा सा। ओके ओके और यहाँ पे फिर से क्रिटिकल ग्रैब उसको मिला है, अच्छा खेल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, बस हिपोक्रेटिक है थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ही हिपोक्रेटिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि इतना अच्छा खेल रहा है, इतना अच्छा प्लेयर है तो क्यों ही कुछ भी कहे इसको। लेकिन देखते रहो, फिर से बेसिक मारा इसने, ये लोअर अटैक कनेक्ट हुआ, मेरा ऑलमोस्ट शेडो फुल है और मैं हैवी जो है ना पैनिक में आके बहुत बार मारता हूँ, ये पैनिक वाला ही हैवी था मेरा, ये दूसरा हैवी था। ओके यहाँ पे लोअर अच्छे से नहीं लगा, लेकिन मेरा यहाँ पे शेडो कनेक्ट हुआ और यहाँ पे ये मेरा दूसरा शेडो भी कनेक्ट हुआ, ये स्पेशल अटैक। ओके और फिर से उसने जो है बेसिक मारा और बेसिक के चक्कर में फंस जाता हूँ, और ये स्पेशल अटैक, ये लोअर अटैक मेरा और मेरे को लग गया उसका शेडो, अब बहुत कम हेल्थ बची है मेरे पास, ये जंप किक लगा और यहाँ पे मेरा मार्कस ख़त्म हो गया। यार कितना अच्छा खेला होगा इसने कि मेरे मार्कस को इसने हरा दिया, देख रहे हो, मतलब मार्कस काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रखता है ना ईतू के अगेंस्ट, उसके बाद इसने हरा दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। ओके यहाँ पे आ चुका है मेरा बुचर, देखते हैं क्या अपन एक कमबैक कर सकते हैं कि नहीं, लग तो नहीं रहा कि कर पाऊँगा यहाँ से, और मैंने इसको ग्रैब कर लिया, ये क्या कर रहा था यहाँ पे। ओके कोई नहीं, और ये हंस रहा है, मतलब ग्रैब के ऊपर हंस रहा है कि इस सिचुएशन के ऊपर हंस रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने शेडो के अंदर चला गया। ओके और इसने मौका नहीं दिया है मेरे को अपना शेडो यूज़ करने का, लेकिन फाइनली मैंने अटैक कर दिया और उसका एक और शेडो लगा मुझे, बहुत कम हेल्थ बची है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे हाँ इसका ही तो ख़त्म हो चुका है। वेल प्लेड बुचर। राउंड 5 यहाँ पे स्टार्ट और उसके पास द किंग ऑफ द लीजन, देखते हैं क्या अपन यहाँ से कमबैक कर सकते हैं कि नहीं, बहुत कठिन है लेकिन देखते हैं। ठीक है मैं अपना शेडो कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, हाँ शेडो मैंने यूज़ कर लिया है। ओके बुचर यार बहुत ज़्यादा ही ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक है, मतलब ऑफकोर्स इसकी भी कमज़ोरी है, इसकी कमज़ोरी केवल और केवल मेरे को लगता है कि अजूमा है, क्योंकि इसका शेडो इतनी जल्दी फुल होता है ना कि केट भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है इसके अगेंस्ट।
मतलब बहुत बार हरा देती है केट, लेकिन बहुत बार नहीं भी हरा पाती, इसलिए बोल रहा था। यहाँ पर मैंने इसको कीप फाइटिंग बोला क्योंकि इसने पहले मेरे को कीप फाइटिंग बोला था ग्रैब के लिए, लेकिन अब ये खुद ग्रैब कर रहा है तो मेरे को भी थोड़ा बहुत तो पैनिक में डालना पड़ेगा ना, जैसे इसने मेरे को डाला था। ओके, मेरा यहाँ पर शेडो फुल है और मुझे कुछ ना कुछ करके जो है अपना शेडो लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं अपना शेडो सही टाइम पर लूँगा तो फिर इसको बहुत सारा डैमेज दे पाऊँगा। ओके, यहाँ पर बेसिक कनेक्ट और यहाँ पे इसका किंग ऑफ द लीजन चला गया डार्क इनकार्नेशन मोड में। ये 10-20 सेकंड का पोर्शन जो है ना मैंने वापस से रिकॉर्ड किया क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी माइक से, यार अजीब अजीब तरीके की, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही थी, क्या कर रहा था वो अंदर ही अंदर। ओके, यहाँ पे मेरा स्पिनिंग लग चुका है, मैं दूसरा स्पिनिंग मारने वाला था, अगर लग जाता ना तो फिर मैं शेडो फुल ले जाता, लेकिन मैं उसके शेडो से बच गया यहाँ। ओके, मेरे को जल्द से जल्द जो है ना शेडो लेना पड़ेगा और मैंने शेडो ले लिया। अब अगर मैंने इसको शेडो के अंदर ख़त्म नहीं किया तो फिर मैं ख़त्म हो जाऊँगा और मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। मैं वेट कर रहा था कि ये कुछ कहेगा क्या लास्ट में और इसने कह दिया कि फाइटिंग लास्ट में, इसलिए मैंने हंसने वाले इमोट किया इसको। मैं इसको सच बताऊँ तो कहना कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला यार, लेकिन फिर इसने वापस से अपनी टॉक्सिसिटी दिखाती तो मैंने भी फिर हंसने वाला इमोट कर दिया। सही किया ना मैंने, वैसे मेरे को तो लगता है कि मैंने सही किया है क्योंकि ये मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं कुछ ना कहूँ तो फिर तो गलत है ना। और चलो अब यहाँ पे लिंक्स गेम प्ले की बात कर लेते हैं। वो जापान का दोस्त है, सब्सक्राइबर दोस्त, उसने कहा था ना कि ऐसा खेलो, तो अब उसका भी तो रिक्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका बिल्ड बता देता हूँ। बिल्ड इसका यह है कि मैंने इगोस्टिक वाला बिल्ड रखा है इसका, ठीक है ना, कि अपन का जो है अपन के अटैक्स उसका जो है शेडो फुल नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा जो है लिंक्स का टिप ले लो। देखो जैसे कि अभी मैंने क्या किया कि वो फायर गार्ड जो है ना अपने 50% के काउंटडाउन पे चला गया, तो मैं उसके जो है काउंटडाउन से बचना चाहता, तो मैंने क्या किया, जैसे ही उसका काउंटडाउन एक्टिवेट हुआ तो मैंने अपना केवल और केवल एक बार दबा दिया शेडो को और मैं दूर भाग गया। मैंने शेडो को फुल कनेक्ट नहीं किया, केवल शेडो को दबा के दूर भाग गया। तुमको भी यही करना है, ज़्यादा मतलब वो अपने शेडो को फुल करने की ट्राई मत करना, पूरा कनेक्ट करने का ट्राई मत करना, पिट जाओगे बहुत गंदा। और क्योंकि अगर फायर गार्ड का काउंटडाउन कनेक्ट होगा तो मतलब उसका शेडो भी कनेक्ट होगा, और तो फिर तुम लोग समझ जाओ कि ऑलमोस्ट 70% हेल्थ चली गई एक अटैक के बाद। तो बस इसलिए अगर ये वाला चीज़ समझ रहे हो तो समझ जाओ। और ये चीज़ हर एक किसी के लिए नहीं है टिप, मेरे को पता है बहुतों को पता है ये सब चीज़ें, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जो है गेम को खेलना स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए ये टिप था। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ग्रैब किया है और अब इसका शेडो मेरे को बढ़ने से रोकना है, कुछ भी करके इसके शेडो को नहीं बढ़ने देना है, इसलिए मार्क को मेरे को रहने देना है इसके पास। देखते हैं क्या होता है, क्या मार्क मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा। हाँ, फिर से इसके मार्क लग गया है। ओके, और यहाँ पे वापस से उसके मार्क कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से मार्क चला गया, लेकिन उसका काफ़ी सारा हेल्थ चला गया यहाँ से। और फिर से मैंने उसको मार्क दे दिया है और अब थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है। ओके, यहाँ पे मेरा शेडो कनेक्ट हुआ, ठीक है। और क्या मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, थोड़ा सा ही बस है हेल्थ उसका बचा और यहाँ पे इसका मार्कस ख़त्म हो चुका है। वाह, ओके, अब इसका फाइनल कैरेक्टर बचा हुआ है और फाइनल कैरेक्टर है इसकी केट, और इसने कितने स्मार्टली केट को बचा के रखा अभी तक, क्योंकि इसको पता था कि अगर यहाँ पे मेरे लिंक्स को हरा देगा तो फिर इसके बाद मेरे पास मार्कस है और अपन की वो है क्या कहते हैं ये क्या नाम है, बुचर है मेरे पास, तो बुचर और मार्कस साथ तो मेरे को दिक्कत होगी, इसलिए स्मार्टली इसने काम किया और यहाँ भी मेरा लिंक्स ख़त्म हो चुका है। अब मैं लेके आऊँगा अपने मार्कस को, देखते हैं क्या अपन कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पे मार्कस आ चुका है राउंड 4 में और फाइट स्टार्ट कब होगी बे। एक तो पोज लेने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ना पोजर साले। ओके, यहाँ पे मैंने इसको जंप किक मारा और एट द रेडी उसका ख़त्म हो चुका है। वाह, वैसे यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मैं, ये अपन की केट का जो लीजनरी जंप है ये इतना ओपी क्यों है यार, मतलब इतना भी ओपी नहीं करना चाहिए था इसको। अपना ये आयरन क्लैड भी तो लीजनरी जंप करता है लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे साला डॉज भी करता है इंसान केट के उसको क्या कहते हैं लीजनरी जंप को, लेकिन डॉज कर नहीं पाता, ये क्या दिक्कत है यार। जंप किक वगैरह कुछ नहीं कर सकते अपन लोग, केवल अपन को जो है मतलब सहना ही सहना पड़ता है इसके जो लीजनरी जंप को, ये मेरे को बहुत ज़्यादा निहायत ही घटिया लगता है। बहुत बार जंप मतलब ऐसा है कि अपन लोग डॉज कर जाते हैं लेकिन उसके लिए मतलब 0.1 का भी एरर नहीं होना चाहिए, ये क्या घटियापन है, मेरे को नहीं पसंद ये वाली चीज़। तुम लोग बताना तुमको क्या लगता है, ये लीजनरी जंप तुमको सही लगता है क्या गेट का। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है अपन की गेट, इसलिए लीजनरी जंप होना चाहिए इसका, लेकिन यार बहुत ज़्यादा अनोइंग भी है क्योंकि एक लीजनरी जंप लगता है फिर दूसरा शेडो भी कनेक्ट होता है और फिर 30% आके पूरा हेल्थ ही चल जाता है, एक कॉम्बो से ऑलमोस्ट 60-70% हेल्थ चला जाता है, ये फिर मेरे को सही नहीं लगता, मुझे पर्सनल नहीं पसंद है ये। मतलब लीजनरी जंप को थोड़ा सा अगर नर्फ दे दे हल्का ऐसा तो फिर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थर्ड वाला गेम प्ले है आज का। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ग्रैब किया है और ये मेरा बेसिक अटैक,
और इसने जो है अपना हैवी मारा। हैवी इसने बहुत सारे मारे यार इस मैच के अंदर, मेरे को याद है, थोड़ा बहुत याद है क्योंकि ये दो दिन पहले जो है ना मैंने एडिट करके रखा था। बस ये मैंने वॉइस ओवर मतलब नहीं किया था अभी तक, और आज जाके वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। और तो फिर मैंने दो दिन से वाला गेम प्ले देखा नहीं है, तो मुझे जितना याद है इसने काफ़ी सारे हैवी मारे थे। ओके, यहाँ पे उसका जो है 30% हेल्थ बस बचा हुआ है उसके आयरन क्लैड का। यहाँ पे स्पिनिंग अटैक कनेक्ट हुआ और वो अपने शेडो कभी भी यूज़ कर सकता है। हाँ, उसने यूज़ कर लिया। ओके, और क्रिटिकल भी लगा उसका और बहुत सारा डैमेज दे चुका है। यहाँ पे एक और हैवी, मेरे को पता था कि हैवी बहुत ज़्यादा ही करने वाला है ये। और क्या यहाँ पे इसका आयरन क्लैड ख़त्म होगा? हाँ, इसका आयरन क्लैड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारा हेल्थ भी यहाँ पे चला गया है मेरा। ओके, राउंड टू स्टार्ट हुआ यहाँ, और फिर से आ चुका है अजुमा इसके अगेंस्ट में, अपन के लिंक्स के अगेंस्ट में। देखते हैं क्या इस बार अपन अजुमा को हरा सकते हैं कि नहीं। फाइट हुआ स्टार्ट यहाँ पे। ओके, और मैंने लोअर से स्टार्ट किया था राउंड। लोअर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर स्टार्ट करना है तो, बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं अपर अटैक भी है अच्छा, लेकिन अपर अटैक के बाद जो है ना ग्रैब करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है प्लेयर को। ओके, यहाँ पर मैंने इसको कॉर्नर पर ट्रैप किया। देखो, अगर चाहो तो ऐसे ट्रैप कर सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पर जंप किक किया, एक और अपन लोग ने बॉम्ब फोड़ा, ये लोअर अटैक। देखो कितना सारा हेल्थ यहाँ पर चला गया है। अगर किसी कॉम्बो सीखना है लिंक्स का तो ये वाला कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो एक और टिप, अगर लिंक्स के साथ ऐसा वाला ग्रैब तुमने जैसा ही मैंने किया ना ग्रैब, वैसा वाला ग्रैब कर लो और उसके बाद फिर बॉम्ब फोड़ दो, तो तुमको सीधे सीधे हैवी मार देना है एक तो बेहतरीन सा। 100% चांस है कि कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। लेकिन हाँ, दूसरा वाला जो ग्रैब है ना, जो एक और ग्रैब करते हैं, उसमें थोड़े से कम चांस है कि कभी कभी कनेक्ट होता है हैवी, कभी कभी नहीं कनेक्ट होता। लेकिन इस वाले में तो कनेक्ट हो ही जाता अगर इस तरह का ग्रैब था जैसा मैंने वहाँ पे किया था वैसा तो। ओके ओके, अब इसका फाइनल कैरेक्टर है सार्ज, देखते हैं क्या अपन ख़त्म कर सकते हैं। और इसके थ्रस्टी हैमर के चक्कर में फंस गया और इसलिए मेरा लिंक्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। माफ़ करना लिंक्स, सॉरी, मेरी गलती है। वो अच्छा खेल रहा था लिंक्स, लेकिन मैं ही थोड़ा ज़्यादा नूब हो गया वहाँ पे। ओके, मेरा अब यहाँ पे आ चुका है मार्कस, और देखते हैं कि अपन मार्कस के साथ इसके जो क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, सार्ज करा सकते हैं कि नहीं। उसके पास कमांडर प्रेस मैं बता दूं, ये दूसरा कमांडर प्रेस उसने मारा। और क्या यहाँ मैं लोअर मारूंगा? नहीं, उसका शेडो बहुत ज़्यादा पास में था इसलिए मैंने शेडो नहीं मारे, लोअर नहीं मारा। ओके, और ये कमांडर प्रेस बहुत ज़्यादा ही नहीं ट्राई कर रहा है क्या? इतना भी नहीं मारना होता सर, और वो भी लेवल 13 का है ये, लेवल 13 का डोजो 13 का, तो इतना ज़्यादा तो ऑफ कोर्स नहीं मारने चाहिए। थ्रस्टी हैमर, ओके, और बेसिक कनेक्ट हुआ यहाँ पे। फिर से उसने मारा है अपना कमांडर प्रेस। ओके, बहुत सारे कमांडर प्रेस मार चुका है यार यहाँ तक ये, इसने हैवी मारा यहाँ पे। और अब मेरे को मतलब डर लगने लगा था इससे कि यार बहुत ही ज़्यादा कमांडर प्रेस यूज़ कर, एक दो कमांडर प्रेस के चक्कर में फंस ना जाऊँ कहीं मैं। और यहाँ पे मैंने इसको जो है ग्रैब किया, ये लोअर मारूंगा मैं। शेडो ऑलमोस्ट फुल है मेरा। ओके, क्रिटिकल अटैक पड़ा और अब वो पीछे जा रहा है जैसे मैं अभी तक पीछे जा रहा था, और बनता है ये, ठीक है, मेरा शेडो फुल था। और मैंने इसको यहाँ पे एक मार दिया है शेडो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे लोअर भी पड़ा और मेरा रेंज अटैक भी लगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बचे नहीं है इसके पास, कभी भी ये ख़त्म हो सकता है। ओके, और यहाँ पे इसका चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बाय बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।